हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ कला सुजगो। आज फिर से हम आ गए नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि यह है ट्वेल्थ क्लास के मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो एक्सरसाइज 1.1 है। हमने रिलेशन और फंक्शन का कॉन्सेप्ट बतला दिया था, हालांकि हम इसे टेलीग्राम पर भी हम डाल दिए थे ताकि कॉन्सेप्ट सीख लें और उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है? सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन हो जाइए, जो भी अपडेट मिलेगी उसी पर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट देखिए। प्ले लिस्ट बना होगा ट्वेल्थ क्लास का, ठीक है ना। तो ट्वेल्थ क्लास का प्ले लिस्ट में जाइएगा तो जैसे ही आप नीचे जाइएगा तो उसमें आपको लिखा होगा, ठीक है ना, थंबनेल पर कि रिलेशन लिखा होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन पढ़ लीजिएगा, चूँकि यह क्वेश्चन अभी रिलेशन का आ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब फंक्शन का आएगा तो फंक्शन भी पढ़ लीजिएगा, चूँकि वह बनाया गया है वीडियो, ठीक है ना। उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे तो इस वक्त कॉन्सेप्ट के साथ कुछ बताए करेंगे, क्वेश्चन करते समय तो कॉन्सेप्ट बताएंगे ही, ठीक है ना। इस पेज को सबसे पहले दो भाग में बांट लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारी पेज कम पेज में ज़्यादा काम हो सके, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें एक्सरसाइज 1.1 क्या है? एनसीईआरटी सॉल्यूशन है या एनसीईआरटी सॉल्यूशन है? तो इसमें हमको जो एक्सरसाइज करना है वो करना है 1.1, ठीक है। और 1.1 जो कि वॉल्यूम 1 है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो स्वतुल्य का अंग्रेजी होता है रिफ्लेक्सिव और सममित का हिंदी होता है, सममित का अंग्रेजी होता है साइमेट्रिक और संक्रामक का अंग्रेजी होता है ट्रांजिटिव। तो जो स्वतुल्य होता है, हमने बतलाया था कि रिफ्लेक्सिव को हम कैसे पहचानेंगे और साइमेट्रिक को कैसे पहचानेंगे और ट्रांजिटिव को हम कैसे पहचानेंगे। तो साइमेट्रिक को पहचानना अगर है या फिर रिफ्लेक्सिव को पहचानना है तो स्वयं स्वयं के साथ रिलेशन होना जरूरी है, तभी यह हो पाएगा। क्या हो पाएगा? यह रिफ्लेक्सिव हो पाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा नंबर पॉइंट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा मतलब ए अगर बी से रिलेशन है तो बी का ए से होना जरूरी है, तभी यह सिमेट्रिक होगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या है? स्वयं स्वयं से होना जरूरी है, जैसे ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, है ना। और ट्रांजिटिव का मतलब होता है, ट्रांजिटिव का मतलब हुआ कि ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से होना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसको हम लोग हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन है देख लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 ...13 से 14, मतलब 14 तक में ही यह रेंज में आनी चाहिए, जो कि रिलेशन जो तैयार किया जा रहा है वह एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा इस संबंध से प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, जो हमारा जो आर बराबर दे रखा है एक्स कमा वाई और यह जो संबंध है सच दैट, और जो संबंध है y बराबर 0, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि y बराबर 3x, ठीक है। तो अगर हम x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है ना, यदि हम x बराबर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। तो एक रिलेशन क्या तैयार हो जाएगा, एक का दूसरी। दूसरी बात, अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 आ जाएगा। एक रिलेशन मेरा यहाँ से तैयार हुआ,
और यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 9 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 12 आ जाएगा। देखिए कहाँ तक टोटल है, 14 तक जाना है। अगर हम x बराबर 5 रखते हैं तो 5 × 15 हो जाता है, तो हमको 14 तक लेना है। देख रहे हैं ना, 14 तक लेना है। तो x बराबर 4, यहाँ y बराबर कितना हो गया, 12। तब इसका मुख्यतः हम रिलेशन अब हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्या था, 1 का 3 से था, 1 का 3 से। उसके बाद 2 का 6 के साथ है। उसके बाद क्या है, 3 का 9 के साथ है। उसके बाद फिर क्या है, 4 का 12 के साथ है। 4 का किसके साथ है, 12 के साथ है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि रिलेशन जो है 1 का 3 के, 2 का 6 से, 3 का 9 से और 4 का 12 से यह दे रखा है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है और ट्रांजिटिव है कि नहीं। यह क्या है, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम का सेम से रिलेशन होना चाहिए, तो 1 का 1 से ही होना चाहिए, तो 1 का 3 से दे रखा है। 2 का 2 से होना चाहिए, तो 2 का 6 से दे रखा है। 3 का 3 से होना चाहिए, तो 3 का 9 से दे रखा है। 4 का 4 से होना चाहिए, तो 4 का 12 से दे रखा है। अर्थात 1, 1, 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए रिलेशन हो रहा है, और 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है, 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। इसलिए हम इसलिए कह सकते हैं या सो भी लिख सकते हो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके। अब आगे देखिए, हमको अब चेक करना है, मान लिया जाए कि सिमेट्रिक, अगर हम मान लिया जाए कि सिमेट्रिक चेक करना है हमको, ठीक है ना। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 खोजिए, तो 1 का 3 के साथ तो है लेकिन 3 का 9 के साथ दे रखा है, 3 का 1 के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। उल्टा चेक करेंगे तभी अगर वो अगर आ जाता है रिलेशन कहीं, तब हम समझेंगे कि हाँ यह सिमेट्रिक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 का 3 के साथ है, बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन, लेकिन बट 3 का 1 के साथ डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब आगे देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर पॉइंट हमको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्या चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, 1 का 2 से है तो 2 का 3 से है, तो फिर 1 का 3 से होना जरूरी है। सिमेट्रिक में क्या था, 1 अगर 2 से है तो फिर 2 का 1 से होना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो तब जाकर के रिलेशन पक्का हो पाए। और रिफ्लेक्सिव में क्या था, रिफ्लेक्सिव में था कि 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से और 3 का 3 से, मतलब सेम सेम से रिलेशन होगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा। और सिमेट्रिक में उल्टा सीधा चेक करना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव में है कि 1 अगर 2 से है तो 2 का ही किसी और से होना चाहिए, तो किसी और का जो है ना सेम से फिर यहाँ से मिलना चाहिए, तब जा कर के यह जो होगा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यह ट्रांजिटिव चेक करने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए 1 का 3 से है तो 3 का देखिए तो 9 से है, लेकिन लेकिन 1 का फिर 9 से है कहीं पे, 1 का 3 से है और 3 का 9 से, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब देखना है कि 1 का 9 से है कहीं पे, देखिए तो कहीं नहीं है 1 का 9 से, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं हो सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 का 3 से है, बिलोंग्स कर रहा है,
अब तीन का जो है, तीन का नौ से है, तीन का नौ से बिलोंग्स कर रहा है, बट एक का नौ से होना चाहिए, एक का नौ से होना चाहिए, तो एक का नौ से कहीं है इसमें नहीं है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। हमको लगता है कि आप सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब हम जो चलते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो पहला था, ना तो यह रिफ्लेक्सिव है, ना तो यह साइमेट्रिक है, ना तो यह ट्रांजिटिव है, मतलब तीनों में से कोई इसमें है ही नहीं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कॉमा वाई है, सच दैट y बराबर x प्लस 5 है, तथा x जो है से 4 से छोटा है। मतलब हमको लेना है कि 4 से छोटा ही x का वैल्यू लेना पड़ेगा। चार से हमको छोटा लेना है, मतलब एक दो या तीन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन दे रखा है, वाई बराबर एक्स प्लस 5 तो दिया है, लेकिन एक्स का वैल्यू जो है ना वो चार से छोटा लेना है, तो फिर एक्स बराबर एक ले सकते हैं या दो ले सकते हैं या तीन ले सकते हैं, यही ना हो सकता है। चार से छोटा हम लेंगे तो ठीक है। अब देखिए, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n, मतलब n में क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मैंने लगातार यह जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर x प्लस 5 से x बराबर हम 1 यहाँ पे रखेंगे, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। अच्छा, चार से छोटा कह रहा था तो 1.2 भी होता है, 3.4 होता है, तो हमने पॉइंट वाली संख्या क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि n जो है सब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय है, तो प्राकृतिक समुच्चय में तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ होता है ना, एक से ना स्टार्ट होती है संख्याएं, तो फिर हम पॉइंट वाली संख्या कैसे ले सकते हैं। चार से छोटा में तो तीन आएगा, दो आएगा और एक आएगा, प्राकृतिक संख्या ना, तो इसलिए हम यही चीज़ को हम ले रहे हैं। तो x बराबर अगर 1 लेते हैं तो y बराबर 5 और 1 6 हो जाएगा, और अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। सिंपल सी तरीका है। तो आप जो रिलेशन जो मेरा तैयार हुआ मित्रों, वह रिलेशन क्या तैयार हुआ, यह जो रिलेशन है वह क्या तैयार हुआ है, वह तैयार हुआ है कि एक का छः के साथ, ठीक है ना, और दो का सात के साथ, और उसके बाद तीन का आठ के साथ, इतना ही है। अब इसी में हमको चेक करना है कि कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, और कौन सा रिफ्लेक्सिव है, समझ गए ना। तो रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब होता है कि वह स्वतुल्य है कि नहीं, समझ गए ना। यहाँ पे देखा होगा, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सममित और ट्रांजिटिव, संक्रमक। तब देखिए, तो हमको रिफ्लेक्सिव अगर हमको चेक करना है, क्या चेक करना है हमको, अगर मान लिया जाए कि रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, फिर साथ सी का सी के साथ, मतलब जो भी संख्या रहेगा वह स्वयं के साथ मनना चाहिए। लेकिन बतलाइए कि एक का एक के साथ है रिलेशन, दो का दो के साथ है रिलेशन, तीन का तीन के साथ है रिलेशन, नहीं है। तो सिंपल सी तरीका है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, चूँकि एक का एक से रिलेशन नहीं है, उसके बाद दो का दो के साथ रिलेशन नहीं है, और तीन का तीन के साथ रिलेशन भी नहीं है। इसलिए वी कैन से दैट कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब अगला जो क्वेश्चन है मित्रों वह देखिए, अगला क्वेश्चन जो है,
इस क्वेश्चन में ही अब हमको चेक करना होगा क्या, सेमेटिक हम चेक करते हैं। अब क्या हम चेक करते हैं सेमेटिक है कि नहीं, तो सेमेटिक कंडीशन क्या है, ए का बी से होना चाहिए तो फिर बी का ए से भी होना चाहिए, और अगर मान लिया जाए कि सी का डी से है तो फिर डी का सी से भी होना चाहिए, मतलब जिसका किसी और से है तो किसी और का भी जिसके साथ होना चाहिए ना। हमको अगर तुमको से अगर संबंध है तो तुमको भी मुझसे होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब एक तरफा संबंध नहीं होना चाहिए, दोनों तरफा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर दोनों तरफा होगा तभी यह मजबूती रहेगी रिलेशन में, ठीक है। तो वही कहता है सिमेट्रिक भाई कि दोनों धने से कर लो रिलेशन तो पक्का हो जाएगी रिलेशन। तब देखिए इसमें चेक करते हैं कि एक का छ के साथ, एक का छ के साथ बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन। अब चेक कीजिए कि छ का वन के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तो छ का एक के साथ है तो छ का एक के साथ नहीं है, एक का छ के साथ है लेकिन छ का एक के साथ कहीं नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब कौन सा रिलेशन हम चेक करेंगे, ट्रांजिटिव हम लोग चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव अगर हमको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का किसी और के साथ है सी के साथ, तो फिर ए का सी से भी होना रिलेशन जरूरी है। अगर ए का बी के साथ है बी का सी के साथ है तो ए का सी से होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। तो एक का बीस देखते हैं, एक का छ के साथ है, ठीक है, एक का छ के साथ बिलोंग्स कर रहा है तो छ का किसी के साथ है नहीं है, छ का किसी के साथ नहीं है तो सीधी सी बात है कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, समझे ना। हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, समझ गया कि यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं, तो आप समझिए कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, ठीक है। हालांकि कंडीशन ऐसा भी होता है जिसमें एक का छ से है, अगर छ का अगर किसी और से रिश्ता नहीं बन रहा है फिर भी ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपके ट्वेल्थ तक जो है से आपको यहीं तक आपको सीखना है कि ए का बी के साथ है तो बी का सी के साथ है तो ए का सी होना जरूरी है, इसलिए इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तीसरा है समुच्चय ए बराबर एक दो तीन चार पाँच छ में आर बराबर एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से, क्या है वाई भाज्य है एक्स से, इस क्वेश्चन में एक समुच्चय दे रखा है। अब देख रहे हैं तो हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, फर्स्ट का हम लोग अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है तीसरा में है कि ए बराबर दे रखा है, क्या ए बराबर दे रखा है एक दो तीन चार पाँच छ, है ना, एक दो तीन चार पाँच छ इतना दे रखा है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच ए बराबर ही दे रखा है। और उसके बाद ये बराबर दे रखा है इतना, ठीक है, तो R बराबर जो है एक्स वाई, वाई भाज्य है एक्स से, जो रिलेशन इसमें दे रखा है, जो रिलेशन है एक्स वाई, तो इसमें कहा जा रहा है ना मित्रों कि सच दैट कि वाई भाज्य है एक्स से,
क्या है, एक्स से भाज्य है, ठीक है। तो वाई भाज्य होना चाहिए एक्स से, और एक्स वाई का ऐसा संबंध इसी से तैयार करना है रिलेशन, जो वाई भाज्य होना चाहिए एक्स से। तो यह जो रिलेशन हम लोग तैयार करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करना है कि अगर हम यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आर बराबर जो तैयार होगा मेरा, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ, पाँच का पाँच के साथ, पाँच का पाँच के साथ, छः का छः के साथ, ये छः तक हम ले लिए। वाई भाज्य होगा, वाई भाज्य होगा एक्स से, तो एक से कट गया, दो से दो भी कट जाएगा, तीन से तीन कट जाएगा, चार से चार कट जाएगा, पाँच से पाँच कट जाएगा, छः से छः कट जाएगा, तो यह तो भाज्य है। अब किससे कटेगा, एक से, मतलब वाई भाज्य होगा एक्स से, वाई भाज्य होगा एक्स से, तो एक से तो एक मिल गया, तो एक से दो भी भाज्य तो हो जाएगा ना, एक से दो भाज्य भी होगा, एक से तीन भाज्य भी होगा, एक से चार भाज्य भी होगा, और एक से पाँच भाज्य भी होगा, और एक से छः भाज्य भी होगा, कट जाएगा ना छः से, छः में एक से भागा देंगे तो कट जाएगा, दो में एक से भागा देंगे कट जाएगा, तीन में एक से भागा देंगे कट जाएगा, तीन आएगा। अब उसके बाद किससे हो सकता है, दो का हो सकता है चार से, दो दूनी चार कट जाएगा, फिर दो का हो सकता है छः से, द्वितीय छः हो जाएगा, इतना ही ना बच रहा है, छः तक लेना ही ना कि आठों ले लीजिएगा, चूँकि सीमित छः तक ही हैं। अब चार से हम लोग तीन से देखेंगे, तो तीन का हम ले लेंगे किस से, तीन का हम ले लेंगे छः से, कट जाएगा तीन दूनी छः, और कोई तो बन ही नहीं रहा है, अगर चार लेंगे तो फिर आठ रहना होता चाहिए, तो हम चार दूनी आठ कटेगी, तो मुख्यतः हमारा इतना रिलेशन बनता है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो यहाँ से चेक करना हमको है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए, स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन है, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, पाँच से पाँच, छः से छः, तो स्वयं स्वयं से खाली रिलेशन है तो वह आइडेंटिटी भी होता है, ठीक है ना। और स्वयं का स्वयं के साथ रहेगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और स्वयं के साथ और इसके अलावा भी रहेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो सिंपल से तरीका है, आप बाकी लिख लीजिएगा कि एक का एक बिलोंग्स कर रहा है, एक का एक बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, फिर दो का दो से कर रहा है बिलोंग्स रियल नंबर से, फिर तीन का तीन कर रहा है बिलोंग्स, रिलेशन बन रही है, ये रिलेशन है, ठीक है ना, आर मतलब। चार का चार से रिलेशन बिलोंग्स कर रहा है, पाँच का पाँच से बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन, छः का छः से बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन, ठीक है। तो हम इसको हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, इट इज रिफ्लेक्सिव। अब साइमेट्रिक चेक करना है, सेमेट्रिक देखिए, तो ए का बी से है तो बी का ए से होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ए का दो से है तो दो का एक से होना चाहिए, तो ए का दो से है तो दो का एक से कहीं पे नजर आ रहा है नहीं, दो का चार से है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सेमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सेमेट्रिक हो सकता है, क्योंकि एक का दो से बिलोंग्स तो कर रहा है लेकिन दो का एक से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी उठा कर देख लीजिए, एक का तीन से बिलोंग कर रहा है लेकिन तीन का एक से बिलोंग नहीं कर रहा है, देखिए तो तीन का एक से है कन्हू, तीन का छः से, तो हो जाएगा ना सिमेट्रिक, तो होगा नहीं ना, उल्टा नहीं ना मिल रहा हमको, इसलिए बोल सकते हैं कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव हमको चेक करना है, हमको क्या चेक करना है, मान लिया जाए कि हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो देख लीजिए आप, तो एक का अगर दो से है तो दो का किससे है, दो से है, एक का अगर दो से है तो दो का फिर किससे है, दो से है, तो फिर एक का दो से होना जरूरी है, तो एक का दो से तो ये मिल ही जा रहा है, तो मतलब यह क्या है, यह ट्रांजिटिव है, एक का दो से है, एक का दो से है तो फिर दो का दो से ही मिल रहा है,
तो फिर इम्प्लाई दैट एक का दो से भी मिल ही जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक का तीन से है, तो तीन का तीन से है, तो फिर एक का तीन से मिल ही जा रहा है। एक का चार से है, तो चार का चार से है, तो फिर एक का चार से मिल ही जा रहा है। एक का पाँच से है और पाँच से पाँच का है, तो फिर एक से पाँच का मिल ही जा रहा है। एक से छः से है और छः का फिर छः से है, तो फिर एक का छः से यही है मिल ही जा रहा है। दो का चार से है, तो चार का चार से है, तो दो के चार से मिल ही जा रहा है। दो का छः से, तो छः का छः से है, तो फिर दो का छः से मिल ही जा रहा है, यही है। तीन का छः से है और छः का छः से है, तो फिर तो तीन से छः से मिल ही जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब जो ये तीसरा क्वेश्चन था, इसमें सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक नहीं होगा बल्कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक। तो इस तरह से इस वीडियो में सिर्फ ये तीन क्वेश्चन तक ही बना पाएंगे, क्योंकि ये 26-30 मिनट हो चुका है। अब जो अगला जो हम बनाएंगे सो या फिर स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो में, मतलब चौथा से रह जाएगा, ठीक है ना। इसके बना देने पर हालांकि इतना देर नहीं लगेगा, लेकिन अगले में करेंगे, क्योंकि इतना बनाना है तो आधा आधा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक इंटर के जो विद्यार्थी हैं वह इसको लाभ उठा सके और इसका सोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से पा सके। इसको कॉन्सेप्ट सीखना हो तो आप जाइए यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें, और उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।